आवाज बटे की धुन आपकी जानी पहचानी है, कोई ऐसी धुन नहीं है जो पकड़ में ना आए, लेकिन विषय को भी ध्यान रखें। बिल्कुल। जिस समय रावण ने साधु का वेश बनाया और जानकी का हरण करके ले गया, ले जाकर अशोक वाटिका में जानकी को बिठा दिया। जानकी परेशान है, रातों दिन राम का नाम जप रही है। भैया हे भाई मेरे, बस यही डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं है भाई जी। ये समय हमारा जाता है और क्या, फिर लोग कहेंगे आप समय ले रही हैं। जानकी बैठी है वहां वृक्ष के नीचे, रातों दिन राम राम जप रही है। जप रही बेटे। रावण परेशान कर रहा है कि ये जानकी मेरी हो जाए, लेकिन इधर प्रभु राम को जब ये पता चला जानकी का हरण रावण करके ले गया, और जहां रावण रहता है उसके पास तक जाने के बीच में एक समुद्र है, एक सागर है। उस सागर को पार करना है तो उस सागर की लंबाई चौड़ाई 100 योजन की दूरी है। 100 योजन सागर पार करना है। आखिर सीता को लाए कौन? एक देश से दूसरे देश में चली गई है। एक दिन सारे के सारे लोग बैठे, भगवान श्री राम अपने सारे साथियों को बिठाते हैं और अपना दुख व्यथित होकर सुनाते हैं। सारे लोग विचार करने लगे कि जानकी वहां है तो जानकी को लाने के लिए करना क्या है, करना है बेटे। और देखिए कह क्या रहे हैं। सागर पार सिया बैठी है करते सभी विचार, ये देखो नादिया के पैरों की आवाज निकाली अभी तक तुमने। सुनिए, सागर पार सिया, सारे के सारे लोग बैठे और कह रहे हैं क्या बेटे। सागर पार सिया बैठी है करते सभी विचार, पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार, वही के वही देख रहे श्रीमान के बैठी है जनक लली, वही देख रहे श्रीमान के बैठी है जनक लली। और सभी करते हैं अनुमान के बैठी है जनक लली। पुरस्कार मैं जरूर बोल दूंगी, हमारे एक बाबूजी स्वयं चलकर 101 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया को दे गए हैं। ले बेटा,
आपकी ढोलक पर। हाँ हाँ खाते रहो, आपको दे गए, आप हमें देना चाहें तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ वो अलग बात। 101 मुद्राएं आपके लिए और 101 मुद्राएं ढोलक पर ही हमारे गुड्डू भैया के लिए। हल्कू महाराज जी कबरईगंज से आए हैं, ये भी जख्मी है, पुराना जख्मी है अभी। बात है हृदय नारायण। अब देखिए सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, बाबूजी सारे बैठकर अनुमान लगा रहे हैं कि 100 योजन की दूरी में कौन कितना जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये मानस बता रही है। और आखिर जी यहाँ विद्वान सभा है, जो भी हो मानस से होना चाहिए। क्या बात? हमारे पहले गीत में भी तीनों बातें त्रेता युग में ही चल रही है। इशारा भले ही कही हो लेकिन बातें तीनों त्रेता में थी। आप तो सीधे सुदामा और कन्हैया के पूरे पूरे एक युग में छलांग मार गई। लेकिन खैर आप सुनिएगा। हाँ कृपया समझे। सारे लोग बातें करने लगे और कहने लगे, कोई बात नहीं के कहें सुनिए हमार गज के बल का विस्तार, 10 योजन एक बार में मैं जाऊं। गज नाम के एक साथी ने कहा कि मैं 10 योजन समुद्र तक जा सकता हूं। अब दूसरा बोला, दूसरे का नाम भी बता रही हूं, गवाक्ष बोला कपीस जाऊं योजन में 20, सुनिए मेरे जगदीश मैं सुनाऊं। गवाक्ष ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूं। क्या बात बेटे? तो वानर दिखलाते सेवा हित अपना शिष्टाचार, पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार। पाई के पाई असुरों से अपमान के बैठी है जनक ललिता, तो सभी करते हैं बल का अनुमान के बैठी है। सर्दी हाथ में चोट लग जाएगी। आराम से बजाओ बेटा, कोमल हाथ है। अब देखिए मैंने पहले साथी गज को बताया 10 योजन की दूरी जा सकता है, गवाक्ष ने कहा 20 योजन जा सकता हूँ। अब तीसरा सुनिए, ऋषभ नाम का वानर बोल पड़ा, ऋषभ जाएगा 30, शरभ जाए 40, रक्षक उनके जगदीश पर मजबूरी। 10, 20, 30, 40 एक एक शब्द आएगा समझ में। तो गंध मादन 50, गंध मादन नामक वो जो वानर है वो कह रहा मैं 50 योजन जा सकता हूँ। के गंध मादन 50, 60 मैंद की आस, 70 द्विध का विश्वास पर मजबूरी। द्विध नाम के वानर ने कहा मैं 70 योजन जा सकता हूँ। तो 80 जाए सुशेण नाम के वानर ने कहा मैं 80 योजन जा सकता हूँ। क्या के 80 जाए सुशेण यही करता बल का वो प्रचार, पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार। होगे के होगे पत्थर सी मूर्तिमान के बैठी है जनक ललिता, के सभी करते हैं बल का अनुमान। राखी जी देखिए 10, 20, 30, 40, 50 अब बारी आई 60, 70 तक पहुंचा दिया मैंने। हाँ। और 80 सुशेर नाम के वानर ने कहा मैं जाऊंगा। हाँ। अब आई 90 की बारी। हाँ।
तभी बोले जामवान, तभी बोले जामवान, सुनो बल का बखान, 90 जाओ प्रमाण ये भी मान लो। लेकिन अगर करो प्रस्थान योजन, 100 गतिमान, बोले अंगद बलवान ये भी जान लो। अंगद ने कहा मैं जाने को तो 100 योजन चला जाऊंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो वापस आए ना आए मन में संशय का संचार, पार जाएगा 100 योजन वो लाएगा समाचार, मन में के उनमें मन में नहीं अभिमान के बैठी है जनक लली। अंतिम पंक्ति सुनिए, समय बचा रही हूँ भैया। भैया अंगद ने कहा मैं 100 योजन जा सकता हूँ, लेकिन लौट कर आऊ ना आऊ ये कोई गारंटी नहीं है। तब तक वहां चुपचाप बैठे थे हनुमान, हनुमान शांत बैठे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मानस बताती है कि जामवंत ने हनुमान से कहा कि कहई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। बड़ी विद्वान बिटिया वाह बेटी, धन्यवाद है, लेकिन उसी से सिद्ध कर रही हूँ। जब उनको बल याद दिला दिया तो आया हनुमान जी को के आया बल का जब ध्यान, तभी गरजे हनुमान, करना क्या है श्रीमान हमसे बोलिए। हनुमान जी ने कहा आप क्या बात है हमको बताओ, आओ का हमें बताओ कर लूं। हनुमान जी ने क्रोध में कहा अगर आप कहें तो कर लूं सागर का पान, कर लूं लंका शमशान, हर लूं रावण की जान हमसे बोल। हनुमान जो भी करते हो राम जी का नाम लेकर करते हैं, और राम जी का ही नाम लेकर राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा। पर्वताकारा तो सदा सहायक रघुनायक वो करते हैं सदाचार, और कहा पार जाऊंगा 100 योजन और लाऊंगा समाचार। किशन के किशन माता जानकी जहाँ बैठी हैं, किशन सन्मुख गए हनुमान के बैठी जहाँ जनक लली। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। करते बल का सभी हनुमान के बैठी है जनक लली। बोलिए बजरंग बली बाबा की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक गीत दिया है, है कौन सा बेटे?
सही सही है बेटे, सही है, इसको कहते हैं आलाप। अच्छा हमें पता चल गया, हमें मालूम नहीं था। गीत दिया है बहन जी ने, कौन सा बेटे? अरे ओ पालम हर जाई तूने जीना किया हरा, माइक टूट गया देखो। माइक भी दहशत में है आज। इतने जोर से ढोलक ना बजा बेचारा, माइक भी गिरा जा रहा है। फिल्म वालों ने गाया ओ मेरी राम कली। ये गीत दिया है आपने, ये फिल्म वाले कह रहे हैं। हाँ वही तो, हम थोड़ी कह रहे हैं। अब देखिए आपने बताया योजना बनने लगी, पंक्ति आपकी कह रही है क्या कि सागर पार सिया बैठिए करते सभी विचार, और पार जाएगा वो ही तो लाएगा समाचार, तो वही देख रहे श्रीमान कि बैठी है जन सही है बहन जी। आपने बताया जाने के लिए सारे बानर भालू जो है विचार कर रहे थे, अब सबने बताया कि हम कितने योजन जा सकते हैं। किसी ने कहा हम 10 जा सकते हैं, किसी ने कहा हम 20 जाएंगे, किसी ने कहा हम 40 जाएंगे, चले जाओ। किसी ने कहा हम 60-70 तो जा सकते हैं, लेकिन इसका कोई इसकी कोई गारंटी नहीं कि वापस आ जाए, कहो बीच में ही गिर पड़े। अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सब लोग, और क्या अपनी अपनी सोच है। हनुमान जी को आपके कथन के अनुसार हनुमान जी महाराज को जिस समय उनका बल याद दिलाया गया, हनुमान जी खड़े हुए और आपने कहा कि हनुमान जी पहुंच गए 100 योजन पार। नहीं बहन जी ना, हनुमान जी को सीधा बल याद आया और सीधे उड़ के वो लंका नहीं पहुंच गए ना, गंदी बात। सीधे उड़ के लंका नहीं पहुंच गए ना। देखिए हनुमान जी जब जा रहे थे तो उनके रास्ते में भी कई प्रकार की बाधाएं आई, रास्ते में कई ब्रेकर मिले उनको। कई प्रकार
प्रकार की बाधाएं आई और क्या। अब देखिए मैं जवाब में क्या बता रही हूँ, सुने आप भैया जी। अरे हृदय भार हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम जय हो, उनका ध्यान धर करके चल पड़े। और जब चल पड़े तो हृदय, अरे हृदय भार के चले पवन सुत जो जग के करता, तो राम काज हित पार जा रहे सौ योजन विस्तार। बजरंगबली जय हो, और कहां चले, चुपल में स्वयं है वो बलवान, चले है वीर अब पंक्ति कह रही है बहन जी, कोई बानर 10 योजन गया, कोई 20, कोई 40, कोई 60, कोई 70 है। अब यहां मैं जो सिद्ध कर रही हूं अपने जवाब में, चौपाई कह रही है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। जवाब को सुन लेना बहन जी, ये सब पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। सुरसा 10 योजन धार कपिका, 20 आकार उनको 30 लिया धार, आप सोचिए सोचिए। सबसे पहले सुरसा ने 10 आकार, 10 योजन का आकार किया, क्या बात है, अपने मुंह का शाबाश। और जब सुरसा ने 10 योजन का किया तो हनुमान जी ने तुरंत 20 का कर लिया। और बहन जी ये जवाब कोई हवा हवाई नहीं है, मैंने स्वयं पढ़ा है, अगर आपको यकीन ना हो तो आपको भी पढ़वा सकती हूँ। प्रमाण है वाल्मीकि रामायण, क्या बात, जिसमें सुरसा और हनुमान जी का संवाद लिखा हुआ है, ये बात है, सुने आप सुनिए। तो सुरसा 10 योजन धार कपिका, 30 आकार उनको 30 लिया धार, सोचिए। अब सुरसा ने 30 का कर लिया, जब सुरसा ने 30 का किया तो 40 का आकार देखो, 40 आकार सुरसा, 50 रही धार सुरसा, 50 रही धार कपिका, ऐसा विस्तार करा सोचिए। जब सुरसा ने 50 योजन कर लिया तो हनुमान जी महाराज ने अपना आकार 60 योजन का कर लिया। जब 60 योजन का किया तो अरे 70 सुरसा 80 कपिवर हो गई है तार। एक एक लाइन को नोट कर लेना और क्या, 70 सुरसा 80 कपिवर हो गई है तारता। और फिर अरे 90 सुरसा 100 कपिवर है, जब उसने 90 का आकार बनाया तो हनुमान जी ने सीधा 100 योजन का आकार बना दिया। कहा गया 90 सुरसा 100 कपिवर, तब किया है जा विस्तार। अरे वो है तो वो है कितने
सभा की।